वीडियो वगैरह बनाना आसान काम नहीं है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है, हर किसी को देखता देखना पड़ता है भाई, मजमा लग जाता अपने आगे पीछे जहाँ भी कोई फॉरनर दिखेगा, लेकिन अच्छे लोग हैं ये, कोतक हैं ये देख लो। मतलब हमें डर लगता है, हमने सुनी है ना कहानियां कि भाई ऐसा कर देंगे, मार देंगे, कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जय हिंद, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं सियेरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन में, और आज हमें जाना था मोनरोविया जो कि लाइबेरिया की कैपिटल सिटी है, लेकिन सुबह से बरसात हो रही है। मैं 6 बजे उठ गया था अपने प्रोग्राम के हिसाब से, 7:30 बजे हमें निकलना था, लेकिन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। बरसात के अलावा और भी कुछ दिक्कतें हुई, यहाँ पूरी रात से लाइट नहीं है, रात भर बारिश, लाइट थी नहीं, मच्छरों ने तंग किया। और भाई कभी भी आप अफ्रीका आ रहे हैं तो ख़ास करके ध्यान रखना कि मलेरिया यहाँ पर इतना ज़्यादा है, टाइफाइड और मलेरिया, इन दोनों का कोई ना कोई प्रिकॉशन आप लेके आना। सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि भाई आप ओडोमोस वगैरह लाओ और फुल बाजू के जो कपड़े हैं वो पहन के रात को सो, हो सके तो सॉक्स पहन के भी सो लेना भाई, क्योंकि जितने मैंने यहाँ पर मलेरिया के केसेस देखे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, परेशानी हो जाती है। और मलेरिया जिसको भी हुआ है ना यहाँ अपने इंडियन को, वो बोले कि भाई एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे मर जाऊँगा मैं तो। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके साथ और भी दिक्कत हो सकती है। अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है जब भी रात को कोई मच्छर काट जाए तो होता ही है यार। आप कहानियाँ सुनोगे यहाँ पर मलेरिया की तो आपको लगेगा, तो भाई मलेरिया के लिए एक कोई दवाई भी आती है जो हफ्ते में एक बार खानी होती है, वो भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। जब आप इंडिया से चलें तो वो दवाई आप पहले ही एक हफ्ता पहले खाएं, फिर खाते रहें मतलब हफ्ते के हफ्ते, तो वो भी ठीक है। और पूरे बाजू के कपड़े पहन के रखें, जो मॉस्किटो स्प्रे वगैरह आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मच्छरों से बचना और भाई खाने पीने से भी बचना है। जो अनहाइजीनिक खाना होगा वो आपको बीमार कर सकता है, और पानी से भी आपको बीमारियां हो सकती है, टाइफाइड का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो जब भी अफ्रीका आएँ इन चीज़ों को ध्यान रख के आएँ। मैंने भी काफ़ी जो थी वैक्सीनेशन करवा के आया था, हेपेटाइटिस ए बी सब कुछ अपनी तरफ से तो जितनी तैयारी कर सकते थे करी। और मैंने पहले भी कहा, अभिनव गर्ग जी हैं डॉक्टर मेरे दोस्त, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में, उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे कौन सी आपको वैक्सीनेशन लेके जानी चाहिए। तो खैर थैंक यू अभिनव भैया आपका अगेन। और भाई यहाँ से निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा, और एक और परेशानी है कि मैं जाऊँगा अकेला यहाँ से, और रात को तो सफ़र कर नहीं सकते अफ्रीका में, ठीक है। पुलिस भी रोक लेती है आपको, अगर रात को आप 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे दिखेंगे तो चेक पोस्ट पर आपको बिठा लेंगे कि आप आगे मत जाओ, यहाँ बैठो, सुबह जाना, तो वो भी परेशानी हो सकती है। लेकिन निकलना भी है, पर बारिश नहीं रुक रही। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ से जो रास्ता है उसका व्लॉग बनाऊँ, और सीधा मेरा मन था कि लाइबेरिया पहुँच के ही व्लॉग करेंगे, लेकिन जब मैं गूगल पे देख रहा था तो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी नहीं ऑथेंटिक जो कि बाय रोड आपका सफ़र बता सके कि आप सियेरा लियोन से लाइबेरिया कैसे जाएंगे। और यहाँ पर भी मैं किसी किसी से पूछ रहा हूँ तो कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहीं कुछ, तो ये है कि जाके ही पता लगेगा चीज़ों का। और भाई यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल का कि इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ आपको। देखते हैं भाई, बरसात रुकेगी तो चलेंगे, और आपकी दुआओं की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, 20% बैटरी है, कैमरा में भी बैटरी नहीं है, क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी। पावर बैंक जो था, एक पावर बैंक मेरा लेगोस में छूट गया, वो मेरी गलती थी, नहीं ध्यान रहा। बहुत लंबा सफ़र किया था यार, परेशान हो गए थे कार में बैठे बैठे, आपने वो वीडियो देखी होगी शायद। उसके बाद एक पावर बैंक जब यहाँ आ रहे थे हम कोनाकरी से, तो किसी ने हेल्प मांगी कि यार पावर बैंक है आपके पास, दिखा दो, वो लेके ही चला गया पावर बैंक। देखते हैं अगर निकल सके तो सफ़र में साथ रहेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी वो आपको देंगे। भाई बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, आ रही है अभी भी, और बाइक हमने बुला लिया चलने के लिए। अल्पेश भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। फोन भैया से मैं फ़ोन पे बात करूँगा। लेट्स गो ब्रदर, भाई चल पड़े हैं, देखी जाएगी, आप लोगों की दुआएं साथ चाहिए। और एक बजाय दोपहर का,
कहाँ तक का सफ़र हो पाएगा वो देखेंगे। यहाँ से मोनरोविया जो है वो 550 किलोमीटर लगभग है। नमस्ते नमस्ते बेटा, इनको सबको नमस्ते सिखा रखी है। जो हमारे भाई यहाँ हैं उन्होंने लोकल सारे इंडियंस को देखते हैं नमस्ते बोलते हैं। चलो भाई एक खूबसूरत जगह से। अरे ये बाइक वाले टूटे फूटे रास्तों से भी इतनी तेज़ चलाते हैं, डर लगता है। और इन्हें नहीं लगता, इनको इतनी आदत हुई हुई है इन टूटे रास्तों की। बाहर की सड़कें सारी ठीक हैं, अंदर की सड़कें जो हैं वो सारी ख़राब हैं। पूरे अफ्रीका का यही हाल देखा अभी तक जितनी भी कंट्रियों में गया। ये किंग क्राउन इंडियन कंपनी है, एक इंडियन भाई की है। हम पहुंचे अभी जूही जंक्शन पे, जहाँ से हम जाएंगे पहले भो। भो के लिए हमें ये शेयर टैक्सी मिली है 85,000 यहाँ के जो रुपए हैं उसमें। और आपको अगर फ्री टाउन में है तो फ्री टाउन से भी टैक्सी मिल सकती है, जो ये शेयर टैक्सी होती हैं। फ्री टाउन में अगर आपको टैक्सी लेनी है तो आप बाइक वाले से आप बोल सकते हैं, वो आपको किसी ना किसी जंक्शन पर ले जाएगा। जंक्शन बोलते हैं ये लोग जो टैक्सी का होता है, तो वहाँ से आप भो के लिए टैक्सी ले सकते हैं। भो फ्री टाउन के बाद दूसरा बड़ा शहर है सियारा लियोन का, तो पहले हम वहाँ पहुँचेंगे। और वो यहाँ से है फ्री टाउन से लगभग 250 किलोमीटर। वीडियो वगैरह बनाना आसान काम नहीं है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है, हर किसी को देखना पड़ता है। और चीज़ों को एक्स्ट्रा बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे तो थोड़े बहुत दे दिए हैं। मतलब हमारे अब लगे हैं मोटा मोटा 1,00,000 सियारा लियोन यहाँ के, और 1,00,000 का मतलब है 600 इंडियन रुपीज़ के आसपास। सूट केस के एक्स्ट्रा पैसे ले के ही माना भाई, 10,000 और ले दिए, मतलब टोटल अब हो गया हमारा 1,10,000 रुपया। यहाँ जूही से भो तक का, भो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, एक बड़ा शहर है। पहले हम वहाँ जाएंगे, उससे आगे देखेंगे। टोटल सफ़र जो रहेगा मोनरोविया तक का वो 550 किलोमीटर का है। द गुड बॉय गिवन मी दिस थिंग। सियारा लियोन के लोग अच्छे हैं। भाई से मैंने बोला, मैंने कहा यार 10,000 रुपये दूंगा, मुझे ये वाली सीट दे दें, तो कहता पैसे नहीं चाहिए, नो नीड फॉर मनी, यू कैन टेक दिस सीट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही दुआ बनाए रखना, थोड़ा सा रास्ता ऐसा और बॉर्डर तो शायद आज हम क्रॉस कर भी ना पाए, पता नहीं क्या होगा, देखेंगे। कुछ नहीं अभी तक, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, बस ये पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, थोड़ा बहुत जितना पता है, बाकी आगे देखेंगे। 2:10 हुए हैं और हम निकल पड़े अपने सफ़र को। चार घंटे बाद हम पहुंचे हैं भो सिटी, और यहां पर कार ने हमें उतारा था जो हमारी वैन थी, और आगे कुछ और कार्स खड़ी थी कार पार्किंग में। उन्होंने आते ही पकड़म पकड़ाई करने लग जाते हैं कि भैया हमारे पास आओ। तो यहां से जो सिस्टम है वो है, आप यहां से बॉर्डर तक भी जा सकते हैं। बॉर्डर यहां से कोई 120 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे लगते हैं, और वहां से और यहां से आप डायरेक्ट लाइबेरिया मोनरोविया भी जा सकते हैं, और वो भी लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है। हमने लगभग 250 किलोमीटर कवर कर लिया, और 300 किलोमीटर के लगभग और रास्ता होगा। बॉर्डर की जो टाइमिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने की, वो है सुबह 8 बजे से बॉर्डर खुलता है, 7:30-8 बजे के आसपास, ठीक है। एक आधा घंटा आगे पीछे हो तो भाई कोई मतलब वो मत करना यार, ठीक है। और 6 बजे शाम को बॉर्डर बंद हो जाता है, तो आप 6 बजे के बाद बॉर्डर में
जा नहीं सकते, चेक इन नहीं कर सकते, वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको किसी ना किसी होटल में स्टे करना पड़ेगा। अगर 6 बज गए तो बो सिटी में कर सकते हैं, या बो सिटी से आगे जो भी सिटी इनकी पड़ती है, जेनेमा करके सिटी है, तो हम जो टैक्सी करने वाले हैं वो करेंगे डायरेक्ट मोनरोविया तक, जो लेगी हमसे 2.5 लाख रुपया पर सीट। मतलब 6 बंदों को ये वाली टैक्सी है, इसमें लेके जाएंगे, तो 6 बंदों को अगर लेके जाते हैं तो 2.5 लाख लेते हैं, यानी कि इंडिया के लगभग 1500 रुपये, ठीक है। और अगर आप 2 सीट लेते हैं, मैंने फ्रंट की दोनों सीट ले ली हैं, क्योंकि ये फिर आगे भी 2 को बिठाते हैं, पीछे 4 बैठते हैं, ज़्यादा तकलीफ सी होती है, तो फ्रंट की 2 सीट ली है 5 लाख, जो सियारा लियोन की करेंसी है उसमें, और वो हमें पड़ेगी 3000 इंडियन रुपीज़ की। बैग के पैसे जब आप इनसे बात कर लेते हो ना सारी, उसके बाद एक और ग्लिच आता है बीच में, वो ये कि ये बैग के एक्स्ट्रा पैसे बाद में मांगते हैं, पहले तो ये ले लेंगे आपसे पैसे कि भाई हमें जो भी है चार्जेस 2.5 लाख वाला, उसके बाद ये बैग के अलग मांगेंगे। तो सूट के जो मेरा था उसके इन्होंने लिए हैं 20,000, यानी कि 120 इंडियन रुपीज़। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम होटल, होटल में चेक इन करके सुबह 8 बजे अर्ली जो भी पॉसिबल होगा 7:30-8 बजे हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वहाँ से सीधा मोनरोविया जाएंगे। भाई बन इब्राहिम, मेरा नाम इब्राहिम इब्राहिम जालो, नमस्ते नमस्ते इंडिया में, इंडिया में नमस्ते। मेरा नाम इब्राहिम जालो, मेरा नाम ही मोहम्मद सिला, हिंदी बोलते। हाउ डू यू नो हिंदी? वेल मी आई नो इंडिया बिकॉज वन ऑफ योर ब्रदर केम हियर, नेम इज बराक। Barak. I work on a barak. Premier, you come on a VR. Okay. Yeah. VR, they are sell rum. Rum and alcohol. Yeah. Okay. So I used to drive on that in this. So that means I used to. He used to learn me to speak in India. He used to learn me how to call, how to greet, how to speak in India. Monty, go for. भाई ये हमारे इन भाई का कॉमेडी स्कूल है और ये लोग कॉमेडियन है सारे, जो ये भाई और ये अपना मिमिक्री बॉय भाई, मजमा लग जाता अपने आगे पीछे जहाँ भी कोई फॉरेनर दिखेगा, लेकिन अच्छे लोग हैं ये, बढ़िया लोग हैं। डर हमें लगता है क्योंकि हमने कहानियाँ सुनी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेचारे प्यार मोहब्बत पे आएंगे तो बहुत प्यार करते हैं, बाकी देखो हादसा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा डर है नहीं, बॉर्डर वगैरह पे भी कुछ नहीं है। सामान भी वहाँ रख लिया, बोले चिंता मत कर सामान की, अब कुछ खा लेते हैं नहीं तो वहाँ मजमा लगेगा। एक रेस्टोरेंट है, चेक करते हैं। कोता गए ये देख लो। कोता गए, कोता का भाई बिसा है, बिसा लोगो आ लोगो पू इसे आ कोता से ना वो लोगो पू ये नहीं लो। I love you, God bless you। बहुत से फ्री टाउन जाना हो तो यहाँ से इस तरफ से मिलती है टैक्सी, लाइबेरिया जाने के लिए सामने से। बातें करते करते रोड पे निकल रहे थे और अपने पाजी मिल गए, एक पाकिस्तान लाहौर से। पाजी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जी राणा एहसान है। राणा एहसान साहब जी सर। पाजी थैंक यू, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानियों की अपनों की हॉस्पिटैलिटी, पीछे से अपने आप आवाज़ दी, कह रहे हाँ जी क्या हाल है, और इनकी बोली से मैं समझ गया पाजी लाहौर से है। मैंने कहा पाकिस्तान से हो,
कहते हाँ जी थैंक यू अगेन पाजी। वाघा बॉर्डर हमारे पास है, मैं अक्सर जाता हूँ वाघा बॉर्डर। जा पाजी वाह वाह। चलो सारा एक ही था पाजी, ये तो वक्त ने ख़राब कर दिया है ना। तो पाजी यहाँ पर कब से हो आप, यहाँ बो में ही रहते हो? नहीं नहीं मैं बो में आया हूँ, मैं फ्री टाउन में था, यहाँ पे आया हूँ किसी काम के। काम से आए हो? अच्छा, तो काम के बाद फिर फ्री टाउन ही जाओगे, यहाँ रुकोगे रात को? मैं अभी बो में नहीं, यहाँ पे हूँ। बो में? क्या बात है, क्या काम करते भाई हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता हूं। अच्छा, वहाँ से पाकिस्तान से आते हो या यहीं कर रहे हो? अच्छा वाह जी वाह। तो भाई मैंने पहले भी हमेशा तारीफ की है ना पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी भाई, और मुझे तो आपने देखा ही है वीडियोस में, जो भी पाकिस्तानी भाई मिले आज तक उन्होंने हमेशा प्यार मान दिया आपस में, बहुत अच्छी बातें की हम लोगों ने, और हॉस्पिटैलिटी देख लो इन्होंने मिलते ही क्या बोला, कहते आओ पहले कुछ खिलाते हैं आपको। तो भाई पाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे पाकिस्तानियों भाइयों बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत मान प्यार देते हो, और ये मेरा दोस्त साथ में है। गाली नहीं देनी, नो दैट बैड वर्ड, ओके नेवर, टेल हिम व्हाट यू से, बट व्हाट वाज दैट वर्ड ही आल्सो नो। हाँ भाई, अगर लोकल मजे लेने हैं तो बाय रोड ट्रैवल करो, अफ्रीका में सेफ ही है यार। देखो दिन में तो कहीं कोई दिक्कत आई नहीं, लोग बाग भी हेल्पफुल मिले सारी जगह, और जो ये एरियाज है ना ये देखने में मज़ा, और कोटक देखने का मज़ा बाय रोड ही आएगा। वैसे आपने मेरे को देखा होगा कि मैंने बहुत कम बाय रोड आज तक ट्रैवल किए थे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है कि बाय रोड ट्रैवल करने में यार। तो जहाँ किस्मत ले जाती है, जहाँ अन्न पानी लिखा होता है वहाँ पहुँच ही जाता आदमी। तो वापसी अब ये दो कंट्रियों में आए हैं, आगे पहुँच गए थे गिनी, और उससे आगे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन ये दो कंट्रियाँ करके शायद अपना घर की रवानगी करेंगे। रास्ता जो था वो तक आने का फ्री टाउन से, बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। रास्ते में यार ये छोटे बच्चे जो बेच रहे होते हैं ना सामान, इनको देख के बड़ा दुख सा आता है, और उनकी प्यारी सी मुस्कुराहटें मतलब दिल सा जीत लेंगी आपका, इतने मासूम तरह से आपकी तरफ मुस्कुराएंगे ना देख के, आपको तरस भी आएगा प्यार भी आएगा, और बहुत अच्छे लोग हैं यार, मतलब इतनी मतलब गरीबी होने के बावजूद भी ना मस्त रहते हैं, और मतलब हमें डर लगता है, हमने सुनी है ना कहानियाँ कि भाई ऐसा कर देंगे मार देंगे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाजी, आप बताओ। जी जी मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, सब लोग होते हैं बच्चे हैं सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, क्राइम नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है भाजी, है ना कोई ऐसा, लोग डरते हैं ऐसे ही। हाँ कुछ नहीं है भाजी, पहले हमारा अफ्रीका खत्म हो गया। जी जी जी, अब यू है जी जी जी। पाजी कितने सालों से आ रहे हो अफ्रीका? एक साल हो गया अफ्रीका। अफ्रीका में पाकिस्तान गए नहीं? केनिया युगांडा सूडान यहाँ पे सब जगह बिल्कुल। वाह जी वाह। केनिया में 3 महीने रहा हूँ, युगांडा में 3 महीने रहा हूँ, सूडान में 3 महीने रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ। अच्छा जी, कोई टेंशन नहीं। कहाँ का रेजिडेंस है? यहीं का नहीं, मेरा दूसरा है, सूडान का रेजिडेंस। सूडान का? क्या यहाँ पे खाना खाते थे भाजी, बहुत तारीफ कर रहे हैं इसकी रेस्टोरेंट की, खाना खा के देखेंगे। पहले मैं आपको रेस्टोरेंट बता दूं, कभी आना हो तो बाम स्पॉट 244 नंबर। वाह जी वाह, पहली बार देखा भाई, हाथ धोने के लिए भी लाए, फूड आ गया, देखने में बढ़िया लग रहा है। चिकन मेरे दोस्त के लिए भी चिकन, भाजी फिश, फूड वाकई बहुत अच्छा था भाई, और जो एक प्लेट थी वो थी 30,000 की, यानी कि 180 इंडियन रुपीज़ के लगभग, और जो भी बिल आया भाजी जीत गए। एक बात कह के मैं बड़ा हूँ देखते उम्र में भाई, आपको मैं नहीं देने दूँगा, तो भाई पाजी ने पैसे नहीं देने दिए, थैंक यू सो मच है पाजी, और पाकिस्तानियों भाई लव यू। और भाई देखो जहाँ बैठते हैं ना, जब आमने सामने जब किसी से प्यार में बात हो रही होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना बड़े की मानती पड़ती है छोटे की। अब ये मत कहना कि पैसे नहीं दिए, मैं पाजी से बहुत लड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई मैं बड़ा हूँ, और मैंने आपको रोका चलते चलते, और नहीं मैं नहीं देने दूँगा कौन वजह से, ठीक है ना भाई, बहुत मैंने जिद की थी पाजी को नहीं देने दिए पैसे। तो पाजी थैंक यू एहसान राणा साहब आपका अगेन। ऑल इंडियंस योर फ्रेंड, व्हेनेवर यस ऑल इंडियंस, व्हेनेवर एनी इंडियन विल कम यू प्रॉमिस मी यू विल गिव रिस्पेक्ट, या आई विल गिव रिस्पेक्ट, आई रिसीव देम गुड, आई रिसीव देम वेल, प्लीज रिस्पेक्ट। नमस्ते, मेरा नाम इब्राहिम जालो। इब्राहिम जालो से मिल लेना भाई, ये प्यार मोहब्बत देगा, और ये है
है बो, जब आप सियारा लियोन से बॉर्डर क्रॉस करोगे लाइबेरिया का तो बो जगह आएगी। सियारा लियोन का फ्री टाउन के पास सबसे बड़ा शहर है ये, यहाँ जरूर आना होगा। आई लव इंडिया माई कंट्री, देन वी लव भगत सिंह आवर फ्रीडम फाइटर भगत सिंह।